हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए ट्रिक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा वीडियो नंबर वन है जो मैं ट्रिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आरआरबी रेलवे, ठीक है, और आपका एसएससी और हमारा जो सीजीपीएससी 2020 अपकमिंग है, ठीक है। तो ये 9 देश जिससे संविधान निर्माण में सहायता ली गई उनसे रिलेटेड वीडियो है। आपको बहुत बार एग्जाम में ऐसे वीडियोस मिलते हैं और आप कंफ्यूज आते हैं कि आयरलैंड होगा कि यूएसए होगा कि यूएसएसआर होगा कि आपका क्या बोलते हैं ब्रिटेन होगा कि दक्षिण अफ्रीका होगा कि ऑस्ट्रेलिया होगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है दोस्तों, तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और हम इसी 9 देशों के बीच में सबमिट कर रह जाएंगे, ठीक है। तो इन 9 देशों को याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है। इन 9 देशों को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अबिद आज रुक जा अमेरिका, ठीक है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान ट्रिक है। और आपको याद बस केवल यही स्टेटमेंट करना है, ये वाला, ठीक है, अबिद आज रुक जा अमेरिका, ठीक है। आप सबको मैच करिएगा, अ से आयरलैंड, ठीक है, बी से ब्रिटेन, फिर द से दक्षिण अफ्रीका, अ से ऑस्ट्रेलिया, ज से जर्मनी, रू से रू, क से कनाडा, ज से जापान और अ से अमेरिका, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, एक बार आप याद करिए फिर से, अबिद आज रुक जा अमेरिका, ठीक है, अबिद आज रुक जा अमेरिका, ठीक है। आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा, जापान, अमेरिका, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, द कंट्री विच हैव इंडियन द कंट्री, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द कंट्री फ्रॉम विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस किस कंट्री से फॉलो बोरो किया गया है, मतलब कि लिया गया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसे फॉलो अप किया है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से कंट्री से फॉलो अप किया गया है, तो ये यूएसएसआर को बोला जाता है रशिया, ठीक है, रशिया बोला जाता है, उनसे हमने ये चीज बोरो करी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, तो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोस प्रीएम्बल्स, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरो प्रीएम्बल्स भी उन्होंने किसी से बोरो किया है, तो किससे बोरो किया है प्रीएम्बल्स, तो प्रीएम्बल्स बोरो किया है अमेरिका से, ठीक है। दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, आप बस जिससे भी रिलेटेड आपको ट्रिक्स चाहिए होगी आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड ट्रिक्स लेकर आ जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, ये चीजें बहुत लंबी है, प्रीएम्बल्स का मतलब और फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब अगर मैं आपको बताने लगा तो आप ये चीजें भूल जाएंगे और ये चीज बताने लगूंगा तो ये चीजों में डाउट्स आएंगे। तो ये चीजों से फैक्ट से रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आ जाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ट्रिक के माध्यम से मैं यही 9 कंट्रीज आपको याद कराना चाह रहा था और आपको ये 9 कंट्रीज क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि साउथ अमेरिका था कि नॉर्थ अमेरिका था, ब्रिटेन था, ऑस्ट्रेलिया था, तो ये सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप बस केवल 9 देश याद रखिए, अगर प्रीएम्बल से रिलेटेड आपकी वीडियो आती क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली बोल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए गवर्नर किस देश से लिया गया, ठीक है, और आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये होना चाहिए इंडिया में, ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है वो कहां से लिया गया, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स को भी हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो अप किया है कि वहां पे ये उस आर्टिकल्स पे हमने प्रावधान दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कंट्रियों से क्या बोलते हैं संविधान के कुछ पार्ट्स को अपने पार्ट्स में लिया है, क्या बोलते हैं एड ऑन किया है, तो ये 9 कंट्रीज हैं, ठीक है। सो ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिक वाली वीडियो लेकर आऊंगा, आज शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगी, तब तक जय हिंद जय भारत।